देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। उत्तर मालदा जिला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार खगेन मुर्मू के समर्थन में निशित प्रामाणिक की हबीबपुर विधानसभा से बुलबुल चंडी मोड़ तक रैली निकाली गई। मालदा विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपाल साह, हबीबपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जुवेल मुर्मू, उत्तर मालदा के भाजपा अध्यक्ष उज्ज्वल दत्ता, भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ रैली में शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा कि खगेन मुर्मू उत्तरी मालदा से 1,00,000 वोट जीतने जा रहे हैं और इतना ही नहीं बीजेपी बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और 26 पर नहीं जाना पड़ेगा, बहुत जल्द तृणमूल सरकार ध्वस्त हो जाएगी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वह कई गलतियां कर रही हैं, उनका दिमाग ठीक नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा इसका पक्का सबूत है। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ঘরের ছেলে খগেন মুর্মুকে পদ্ম ফুলে ভোট দিন, ভোট দিন, ভোট দিন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ঘরের ছেলে খগেন মুর্মুকে পদ্ম ফুলে ভোট দিন, ভোট দিন, ভোট দিন। ভোট দিবেন কোনখানে? পদ্ম ফুলের মাঝখানে। ভোট দিবেন কোনখানে? পদ্ম ফুলের মাঝখানে। বিজেপি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। পদ্ম ফুলে দিলে ভোট क्या बात दे रहे हैं। उत्तर मालदा में जिस तरह से लोग दोनों हाथ भरकर आशीर्वाद कर रहा है और इतना अभी तक हम लोग लगभग 15 किलोमीटर जो है हम लोग रैली किया और दरमियान इस तरह से लोगों का समर्थन माता बहनों और जो है युवा बढ़ चढ़ कर इस रैली में हिस्सा लिया और उसके साथ साथ इन लोगों का जो उत्साह था वो भी देखने लायक। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग इस बार कम से कम 1,00,000 से ज़्यादा वोट से यहाँ पर जीत रहे हैं। हमारे जो यहाँ का कैंडिडेट है खगेन मुर्मू जी और निश्चित रूप से यहाँ का लोग जो है इस बार के लिए माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ पूरे बंगाल में जिस तरह से दुर्नीति और वायलेंस चल रहा है उसका जवाब करा जवाब देना चाहते हैं। आज लोगों की जो समर्थन, लोगों की जो उपस्थिति है उससे यह स्पष्ट होता है। নিষিদ্ধা নিষিদ্ধা বাংলার মানুষ দুর্নীতিতে জর্জরিত মেইন মাথা মাস্টার মাইন্ড কবে গ্রেফতার হবে? নিশ্চিতভাবে যারা দোষী, যারা অপরাধ করছে, বাংলায় যারা ভায়োলেন্স করেছে, বাংলায় যারা করাপশন করেছে, প্রত্যেকটা ব্যক্তি সাজা পাবে। আমি দায়িত্ব নিয়ে অন ক্যামেরা বলে মুখ্যমন্ত্রী বলছে আজকে জনসভা থেকে বলে সিএ করলে নাকি বিদেশি হয়ে যাবে। দেখুন, মুখ্যমন্ত্রীর মাথা নষ্ট হয়ে গেছে, আমার মনে হয় ওনার মাথার ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন রয়েছে। উত্তরবঙ্গের ফলাফল কেমন হবে? নিশ্চিতভাবে উত্তরবঙ্গে 8-8 এবং পশ্চিমবঙ্গে 35টা সিট নিয়ে আমরা এবার মোদিজিকে উপহার দিতে চলেছি এবং নিশ্চিতভাবে বলতে পারি 2026-এর অপেক্ষা করতে হবে না, তার আগেই তৃণমূল কংগ্রেস তাসের ঘরের মতন ভেঙে পড়ে।